good morning, students. this is the second lecture of uh, chapter 8, that is skeletal system and nervous system of class 5 from cordova science. and in previous lecture, um, we, will, uh, we had discussed about uh, skeletal system, in which uh, we had discussed about uh, uh, skull, backbone, um, rib cage, and limbs. In this lecture, uh, I am going to uh, discuss about joints and muscles. So let's start. Joints, the place where two bones meet is called a joint. वो place जहाँ पे uh, हमारी body में कहीं पे भी जहाँ पे दो bones मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं joint कहते हैं. The bones uh, are joined together by strong tissues called लिगामेंट्स और जो जो बोन्स होती हैं वो किनसे किसकी हेल्प से, किस से ज्वाइन होती हैं एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं लिगामेंट कहते हैं जॉइंट्स में भी मूवेबल और इमूवेबल मीन्स ज्वाइंट्स क्या होते हैं uh, दो टाइप के होते हैं मूवेबल भी हो सकते हैं मीन्स जो कि मूवमेंट चुप कर सके और सेकेंड इमूवेबल मीन्स ऐसे जॉइंट्स जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते हैं ऑल द ज्वाइंट्स एक्सेप्ट इन स्कल आर मूवेबल क्या होता है जो भी ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट स्कल में स्कल में जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको छोड़ के और भी जितने भी ज्वाइंट्स हैं हमारी बॉडी में वो क्या है मूवेबल है मीन्स वो मूव कर सकते हैं द बोन्स ऑफ स्कल डू नाट अलाउ एनी मूवमेंट बिकॉज दे आर इंटरलॉग्ड मेकिंग द जॉइंट्स इम मूवेबल क्या होता है ये जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं स्कल में ये मूवमेंट को अलाउ नहीं करती हैं क्यों क्योंकि ये इंटरलॉक्ड होती हैं मीन्स एक दूसरे से लॉक्ड होती हैं मेकिंग दू जॉइंट्स मूवल इमूवेबल इसी वजह से इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं मूवेबल ज्वाइंट्स आर ऑफ फॉलोइंग फोर काइंड जो मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं लेट्स सी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स फर्स्ट क्या है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स इज फाउंड इन हिप्स एंड शोल्डर ये क्या होती हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होते हैं जो कि uh, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं हमारी बॉडी में हिप्स वाले पार्ट में मिलते हैं और हमारे शोल्डर वाले पॉइंट्स में पार्ट्स में मिलते हैं दिस ज्वाइंट इज फॉर्म्ड वेन राउंड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इन टू द होल और सॉकेट ऑफ अनदर बोन ये किस टाइप के जॉइंट्स uh, 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 होते हैं जबकि जो हमारा एक बोन जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे एक जो बोन होती है वो राउंड होती है और सेकेंड वाली क्या होती है उसी में जो एक राउंड हो जाती है राउंड uh, शेप बना लेती है उसमें एक सॉकेट हो जाता है या सॉकेट uh, टाइप का बन जाता है या होल टाइप का बन जाता है उसी में जाके दूसरी वाली जो बोन होती है वो अटैच हो जाती है। इट ऑल्सो मूव इट अलाउज़ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन और ये क्या करती है जब ये सर्कुलर uh, होती है राउंड होती है इसलिए ये क्या करती है हमारा जो भी ये सेकेंड वाला पार्ट होता है इसको हर एक डायरेक्शन में मूव करना अलाउ करती है फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्विंग आर आर्म्स ऑलमोस्ट इन ऑल द डायरेक्शन जो हमारी आर्म होती है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं ये इस टाइप की बोन होती है कि ये एक हमारा जैसे हिप वाला पार्ट हुआ यहाँ पे ये जो एक बोन है यहाँ पे एक सॉकेट टाइप का बन जाता है होल टाइप का हो जाता है और यहीं पे आके दूसरी वाली ज्वाइंट दूसरी वाली जो बोन होती है वो अटैच हो जाती है नेक्स्ट हिंग ज्वाइंट्स दीज लाइक द हेंगस ऑफ अ डोर जो हमारे डोर में जो हैंग्स होते हैं उस टाइप की जॉइंट्स होती हैं इसमें दी दे अलाउ मूमेंट ऑफ द बोन्स इन ओनली वन डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे ऐसे ये जो जॉइंट्स जो होते हैं ये इस टाइप के होते हैं मीन्स ये हमारा जो बोन होता है उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करते हैं जैसे ये जो हमारा जो हिंड फोर लेम्प का पार्ट है इसको हम सिर्फ स्ट्रेट आगे तक ले जा सकते हैं बैक पार्ट तक नहीं ले जा सकते ये जो हमारा नी वाला पार्ट है इसको हम एक डायरेक्शन में तो पूरी तरीके से मोड़ सकते हैं बट uh, uh, नेक uh, अपर वाले पार्ट में मींस आगे इसको और नहीं मोड़ सकते मींस सिर्फ ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं दैट इज आइदर अप और डाउन मीन्स या तो ऊपर या तो नीचे जैसे कि हमारा जो आ, एल्बो वाला ज्वाइंट होता है ये सिर्फ अपर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है बट ये जो हमारा जी नी वाला जो ज्वाइंट होता है वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलाउ करता है दीज ज्वाइंट्स आर फाउंड इन अवर एल्बोज फिंगर्स नीज एंड टोज ये हमारी एल्बो में होती हैं एल्बो में होती हैं नी में होती हैं फिंगर्स में होती हैं जैसे फिंगर भी होती है हमारे ये जो फिंगर में है हम इसको बैक साइड में नहीं मूव कर सकते हैं बट ये हम आगे को अपर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं अपव डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और हमारी टोज में भी यही वाली आ, आ, हिंग ज्वाइंट्स प्रेजेंट होती हैं नेक्स्ट प्राइवेट ज्वाइंट्स ये क्या कौन सी ज्वाइंट्स होती हैं दीज ज्वाइंट इज फाउंड नेक ये वाली जो ज्वाइंट्स होती हैं जो वो हमारी नेक में प्रेजेंट होती हैं द स्कल इज कनेक्टेड टू अपर मोस्ट वर्टिब्रा और स्पाइन कॉल्ड एल्टस विद पाइव ज्वाइंट ये क्या होता है स्कल अपर पाइट जो वर्टिब्रा वाली जो स्पाइन होती है जो यहाँ बैकबोर्न होती है इसका ये जो यहाँ पे जो वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं एटलस कहते हैं एक्लिस uh, कहते हैं और ये हमारा अपर वाला पार्ट होता है जहाँ से स्कल अटैच होता है और जहाँ पे ये अटैचमेंट होता है स्कल वाली जॉइंट बोन uh, का और हमारा वर्टिब्रा वाला uh, वहाँ उसको क्या कहते हैं हम उस uh, ज्वाइंट को क्या कहते हैं हम पाइवर्ड जॉइंट कहते हैं दिस हेल्प अस टू मूव आर हेड अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइड और ये इसकी वजह से यहाँ पे जो जॉइंट होता है इसकी वजह से हम अपने हेड को आगे पीछे और दोनों साइड पे मूव कर पाते हैं नेक्स्ट ग्लाइडिंग जॉइंट्स ग्लाइडिंग जॉइंट्स दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन रिस्ट एंकल्स एंड बिटवीन द एनी टू वर्टिब्रा ऑफ द बैक बोन ये जो ग्लाइडिंग uh, मीन्स जैसे पता ग्लाइडिंग से पता भी चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती हैं सो so, ये uh, जो ज्वाइंट्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होती हैं एंकल में प्रेजेंट होती हैं और जो हमारी वर्टिब्रा होती हैं जो थर्टी थ्री वर्टिब्रेज होती हैं उसमें अलग अलग जो टू जो वर्टिब्रा होती है एक वर्टिब्रा फिर नेक्स्ट वर्टिब्रा इनके बीच में भी जो जॉइंट होता है वहाँ पे भी ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स ही होते हैं इट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट इच अदर और ये क्या करते हैं हमारी जो दोनों जो, जो, जो होते हैं जहां पे जो दो बोन्स मिलते हैं इनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में हेल्प करते हैं और अलाउ करते हैं बोन्स को स्लाइड करने में नेक्स्ट मसल्स द बोन्स कैन नॉट मूव विदाउट मसल्स क्या होती हैं हमारी बोन्स मूव कर, कर सकती हैं बट कैसे विदाउट मसल्स के ये मूव नहीं कर सकती हैं इनको मूव करने के लिए बोन को मूव करने के लिए मसल्स की हेल्प लेनी पड़ती है मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज मसल्स किन से बनती हैं हमारी बॉडी में कुछ टफ इलास्टिक टिश्यूज होते हैं उनकी हेल्प से मसल्स बनती हैं उनसे ही हेल्प उनसे ही मसल्स बनती हैं दे आर अटैच टू द बोन्स बाई स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडम टेंडन्स ये क्या होती हैं मसल्स हमारी बोन से अटैच होती हैं जो कि एक फाइबर से हेल्प फाइबर की हेल्प से अटैच होती हैं जिनको हम टेंडन कहते हैं जैसे कि हमारी बोन और बोन जब अटैच होती हैं वहाँ पे एक टिश्यू आता है उसको हम क्या कहते हैं लिगामेंट कहते हैं बट हमारी बोन और जो हमारी मसल्स जहाँ पे अटैच होती हैं वहाँ पे एक फाइबर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं टेंडन कहते हैं देयर आर अबाउट सिक्स फिफ्टी मसल्स इन आर बॉडी एंड ईच डज अ पर्टिकुलर फंक्शन हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सिक्स फिफ्टी मसल्स होते हैं और जो कि अलग अलग सारी मसल्स जो होती हैं वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म मसल्स मेक 40 परसेंट वेट ऑफ आर बॉडी मसल्स क्या करती हैं हमारी बॉडी का जितना भी वेट होता है उसका 40 परसेंट वेट मसल्स का होता है मसल्स वर्क बाय पुलिंग द बोन्स ये जो हमारी बोन्स मूवमेंट करती हैं मसल्स की हेल्प से वो सिर्फ और सिर्फ मसल के पुल की वजह से मूव करती हैं मसल्स कभी भी बोन्स को पुश नहीं कर सकती हैं सो एट लीस्ट टू सेपरेट बोन्स आर रिक्वायर्ड टू मूव अ बोन इस वजह से अगर बोन को मूव कराना है तो उसके उसके मूवमेंट के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट टू बोन टू मसल्स वर्क करें फॉर एग्जाम्पल टू मसल्स कॉल्ड बाईसिप्स एंड ट्राइसिप्स मूव आर आर्म अप एंड डाउन क्या होता है जो ये आ, हमारी आम है आम में टू मसल्स होती हैं बाइसेप्स होती हैं और ट्राइसेप्स होती हैं और इन दोनों की हेल्प से ही हमारे जो आ, आम वाला पार्ट आ, आम जो होती है वो मूव कर पाती है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे वर्क इन पेयर बाय रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होता है ये वर्क कैसे करती हैं कॉन्ट्रेक्शन से और देन रिलैक्शन से इसमें दो प्रोसेस होते हैं वैन वी पुल आर लोअर आर्म द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द ट्राइसेप्स रिलैक्ट जब हम अपनी लोअर आर्म को आ, पुल करते हैं तो हमारी जो बाइसेप्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो हमारी ट्राइसेप्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और इसी तरीके से वैन यू स्ट्रेंथन योर लोअर आर्म द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइसेप्स रिलैक्सेस जब हम अपनी आम को स्ट्रेंथ कर मतलब आगे सीधा करते हैं तो क्या करती हैं हमारी जो बाइसेप्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और जो ट्राइसेप्स होती हैं वो कॉन्ट्रेक्ट करती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मसल्स आर बॉडी हैज थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में तीन तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल जिसको हम और भी क्या कहते हैं स्केलेटल मसल्स कहते हैं द मसल्स दैट आर अंडर आर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं मीन्स जिनको हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से आ, मूव करा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं जिस साइड पे हमें जैसे मूवमेंट करना जैसे उनको हम क्या कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं मसल्स इन आर आर्म्स एंड लेग्स आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री मशल मसल्स जो हमारी हाथ में और पैरों में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं जैसे कि हमें पता भी है कि हम अपने हाथों को और अपने पैरों को अपनी आ, मर्जी के हिसाब से मूव करा सकते हैं तो क्यों करा सकते हैं क्योंकि उसमें वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और ये फिगर दिया गया है किसका वॉलेंट्री मसल्स का नेक्स्ट इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स जिनको हम और क्या कहते हैं स्मूथ मसल्स कहते हैं द मसल्स दैट वर्क बट आर नॉट अंडर आर कंट्रोल आर कॉल इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स जो काम तो करती हैं बट वो हमारी हिसाब से काम नहीं करते हैं वो खुद से अपना जैसी बॉडी को नीड होती है उस हिसाब से वो खुद से काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं दे वर्क ऑटोमेटिकली ये अपने हिसाब से काम करती हैं ऑटोमेटिक जो भी एक्शन होता है उसके लिए रिएक्शन देती हैं मसल्स इन आर स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर इनवॉलेंट्री मसल्स जो हमारे स्टमक में जो मसल्स होती हैं और जो इंटेस्टाइन में मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं ये फिगर दिया गया है इनवॉलेंट्री मसल्स का जिनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं नेक्स्ट कार्डियट मसल्स डीज मसल्स आर अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स फाउंड इन वॉल्स ऑफ हर्ट क्या होती है ये भी एक जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनका ही एक टाइप होती हैं जो कि कहाँ मिलती हैं हमारे जो हर्ट का वॉल होती हैं उनमें मिलती है दे आर ऑल्सो नॉट अंडर आर कंट्रोल ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं क्योंकि खुद सबको पता है कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर चाहें तो हमारी आ, हमारा हार्ट बीट करे अदरवाइज जब ना चाहें तो हमारा हार्ट बीट ना करे वो तो अपने अपनी अकॉर्डिंग करता है हमारी मर्जी पे नहीं करता है दे मेक आर हार्ट टू बीट ये हमारी हार्ट को बीट करने में हेल्प करती हैं हमारी हार्ट हमारा हार्ट इन्हीं मसल्स की वजह से आ, बीट करता है मीन धड़कता है इनको हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते लाइक अदर टाइप्स ऑफ मसल द कार्डियक मसल्स वर्क थ्रू आउट आर आर लाइफ एंड नेवर गेट टायर्ड ये वाली जो मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स होती हैं ये हमारी लाइफ टाइम पूरे लाइफ टाइम वर्क करती हैं और ये कभी भी थकती नहीं है और जब ये थक जाती हैं तो ह्यूमन क्या होता है डेड हो जाता है मीन्स अगर हमारा दिल धड़कना हार्ट धड़कना बंद कर देता है तभी क्या होता है हार्ट बीट रुकती हैं तभी इंसान कोई भी उसे डेड डिक्लेयर करता है और ये कब होता है जब हमारी कार्डियक मसल वर्क करना बंद कर देती हैं सो so, तो हमारी कार्डियक मसल्स क्या होती हैं हमारी थ्रू आउट लाइफ वर्क करती हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बींग अलाइव रहता है okay class this is all about your lecture 2 further we will discuss it next lecture thank you class